सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग मैम। माय मॉर्निंग स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल. यस स्क्रीन मैम। सबको यस मैम। विजिबल है राइट. यस मैम। आज हम लोग यस मैम। देखेंगे यस अबाउट मैम। सेल्फ ग्रूमिंग. अबाउट सेल्फ ग्रूमिंग. सेल्फ ग्रूमिंग से आप लोग क्या समझते हैं बताइए सर. मैम टेल टेल स्पीक अप. यस मैम, जो हमारा ओवरऑल आउटलुक होता है, जैसे कि हमारे क्लीन हमारे जो पर्सनालिटी है बाहर से वो कैसे लगता है, आउटलुक जैसे कि हमारा क्लीननेस शो करता है, हमारे ड्रेस कैसे हम लोग सेटअप करते हैं, वो सारा ओवरऑल आउटलुक जो हम लोग का होता है, बिहेवियर, वो सब हम लोग को सेल्फ पर्सनल ग्रूमिंग में आता है ना। आ रही है मैम। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है. आ रही है आपकी यस आवाज। मैम। हम ही स्टार्ट करते हैं ना. हाँ, सेल्फ ग्रूमिंग मतलब खुद को संवारना, खुद को ग्रूम करना है ना, खुद को जैसे कहते हैं निखारना. अच्छी चीजें हम हमारे अंदर कैसे डाल सकते हैं. एंड पर्सनल ग्रूमिंग की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है आपकी पर्सनैलिटी की, मतलब हाउ यू आर लुकिंग, आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना. तो सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे पर्सनल ग्रूमिंग में. ये सारी चीजें जब हम पढ़ रहे थे ना स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, तो मैंने तब भी आपको बताई थी कि पर्सनल ग्रूमिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, है ना. तो यस पर्सनल मैम। ग्रूमिंग आपको पता है अपने आप को कैसे निखारना, कैसे संवारना है. आज हम बताएंगे कि अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सबके सामने. तो एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रूमिंग. पर्सनल ग्रूमिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए पॉजिटिव इमेज एंड एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू एंकरेज एंड असिस्ट द रेजिडेंट टू मेंटेन ए प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव अपियरेंस. वो कहावत सुनी है ना सबने, फर्स्ट इम्प्रेशन में भी या लास्ट इम्प्रेशन होता है ना. यस मैम। यस मैम। और फर्स्ट इम्प्रेशन आपका कैसे आता है, ऑब्वियसली बात करके आता है. लेकिन कोई भी इंसान आप में बात करने में इंटरेस्टेड कब होगा, जब आपकी पर्सनालिटी उन्हें अट्रैक्टिव लगेगी, जब आपकी पर्सनालिटी में लगेगा कोई तो बात है, बात करनी चाहिए, नहीं. और क्योंकि अभी हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने अटायर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सामने जाके कि आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं वो आपसे फर्स्ट लुक में ही इम्प्रेस हो जाए, तो वो कितनी अच्छी बात है, राइट. तो आपको पर्सनल ग्रूमिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जरूर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पॉजिटिव इमेज आपकी खुद की. और वो पॉजिटिव इमेज कहाँ से आती है, जब आप अपने माइंड में अपने आप को लेके पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं, है ना. इस पे भी मैंने आपको बहुत लंबा एक लेक्चर दिया था कि कैसे आप पॉजिटिविटी कलेक्ट कर सकते हो. हमेशा आप की अपीयरेंस से एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए. कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके साथ भी होंगे, जिनसे ना आपको ऐसे लगता है थोड़ी चिढ़ सी मचने लग जाती है, इरिटेशन होती है उन लोगों से कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, होता है ना ऐसा यस मैम। हमारे सराउंडिंग्स में. इवन हमारे कुछ रिलेटिव्स भी इस यस तरह से मैम। होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ इस तरह से होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है जिनकी पर्सनैलिटी से ना बहुत नेगेटिव वाइब आती है. या तो हम उनको या तो रोते रहते हैं किसी ना किसी चीज को लेके, या फिर वो इतनी निगेटिव बातें करते हैं, वो इतनी ज्यादा बुराइयां दिखाते हैं आसपास की चीजों में कि हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं. ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, मुझे बहुत लोग मिलते हैं ऐसे जो निगेटिविटी फैलाते हैं, और मैं हमेशा उन लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हूँ जिनके जिनसे कि भले से वो चुप बैठे रहे लेकिन उनसे ना कुछ एक पॉजिटिव वाइब है, उनकी पर्सनालिटी में से एक पॉजिटिव वाइब आप फील करते हो. दिस इज वेरी नेचुरल फिनोमेना. ये क्या होता है ना कि लोग किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं या किस तरह से आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं ना, ये सब चीजें उनसे आती है. फील किया है कभी ऐसा कुछ किसी से निगेटिव वाइब आ रही हो कि इरिटेशन होती है इनसे, तो बहुत होता है यस मैम। होता है ना. और किसी यस किसी मैम। की सोहबत में बैठना, किसी किसी के पास जाना बहुत अच्छा लगता है कि यार ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं, या इनसे ना इनसे इनसे मिलके कुछ खुशी, एक हैप्पीनेस सी फील होती है, एक पॉजिटिविटी सी, एक एनर्जी सी फील होती है, होता है ऐसा कुछ. यस मैम। तो यस मैम।
तो कुछ लोगों की वो पर्सनालिटी होती है, तो आपको अपने अंदर कौन सी चीजें डालनी है? हमेशा नेगेटिव पॉइंट से बात नहीं करना होता है, हमेशा कुछ कभी जरूरी होता है कि आप पॉजिटिव चीजों पर भी बात करें, तो अपनी इमेज में वो पॉजिटिव चीजें डालना बहुत जरूरी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ ग्रूमिंग का, है ना, अपने आप को निखारना। अगर आपको से कोई बात ही करना पसंद नहीं है, आप भले से राजाओं वाली ड्रेस पहन के या बहुत हैंडसम लग रहे हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव वाइब्स फैलाते हो ना, तो एटलीस्ट मैं करूं ना ऐसा कि बहुत मैम आपका वॉइस कट रहा है। रिप्लाई। मैम आपका वॉइस कट रहा है। आपका वॉइस कट रहा है यस मैम। मैम, ओके, हेलो, अभी अब ठीक है इज इट मैम। क्लियर, इज इट ऑडिबल? यस मैम ओके, आप ठीक बोल रही हैं। तो मैं कह रही थी कि बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत दिखे हैं, बहुत हैंडसम पर्सनालिटी, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी के मालिक हों, लेकिन फिर भी अगर उनमें से नेगेटिव वाइब आती है तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हो। होता है ना ऐसा कि कई बार है ना, बहुत अच्छे यस दिखने मैम वाले लोगों के पास भी दिल नहीं चाहता कि हम इनसे बात करें, अरे यार अभी दिमाग खराब कर देंगे, है ना। तो यस आपकी इमेज, यस आपकी सेल्फ इमेज, आपके अंदर एक कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों को अट्रैक्ट करें। इट इज नॉट अबाउट फेशियल ब्यूटी, इट इज अबाउट योर पर्सनैलिटी ब्यूटी, कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी ब्यूटीफुल है, कितना लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, कितना लोग आपसे इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, ओनली बिकॉज यू आर गिविंग देम अ पॉजिटिव थिंग, यू आर गिविंग देम अ पॉजिटिव वाइब, यू आर गिविंग देम अ एनर्जी। तो ये भी आपकी ग्रूम्ड पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप किसी को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, आपकी इमेज जो है वो पॉजिटिव है। ये चीज समझ में आई? नाउ सेकंड पार्ट इज, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैं फेशियल ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर अटायर, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ यू लुक, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बुरा कोई भी नहीं मानेगा, ये सेल्फ ग्रूमिंग की क्लास है। फिर से मैं कहूंगी, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो, क्योंकि वो लोग हॉस्टल हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि कैंपस जो उनका पढ़ने की जगह है वो भी उन्हीं के उसी प्रीमिसेस में अवेलेबल है, तो कई बार जब स्टूडेंट क्लास करने नहीं आते, छुट्टी पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही लोअर टी शर्ट्स और इस तरह से अपना कोई पर्सनल काम, जैसे कोई एप्लीकेशन भी देना है, तो वो ऐसे ही आ जाते हैं फैकल्टी के सामने। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दिस दिस थिंग दिस हॉल होल थिंग शोज योर पर्सनैलिटी। एटलीस्ट जब आप अपने किसी सीनियर के सामने जाएं या अपने किसी फैकल्टी के सामने जाएं, क्योंकि आप उनसे प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं, है ना, एक रिस्पेक्ट वाला रिलेशन है आपके और उनके बीच में। आप जब अपने कैंपस में जाएं तो एटलीस्ट यू शुड लुक गुड। यस, आफ्टर आपके जो कॉलेज आवर्स हैं उसके बाद आप अपना इजी गोइंग में जैसे घूम रहे हैं घूमें, लेकिन तब भी आपके हाइजीन पॉइंट, आपका नीट एंड क्लीन होना तब भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रूमिंग, है ना, कैसे आप अपने आप को निखारते हैं, कैसे आप अट्रैक्टिव दिखते हैं इस तरह कि लोग आपसे बात करना पसंद करें एटलीस्ट, है ना। सम ऑफ द परसेप्शन पीपल कैन फॉर्म सोलली फ्रॉम योर अपियरेंसेस आर योर प्रोफेशनलिज्म, किस तरह से आप दिख रहे हैं ना, उससे लोग अंदाजा लगाते हैं। जब आप भीड़ में जाएंगे ना, तो लोग आपको जज करेंगे, जज किस बिहाफ पे करेंगे, आप किस तरह से दिख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपको अपने आप को, अगर आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है कहीं पे, तो आपका अटायर, आपका जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह की होनी चाहिए ना कि लोग आपको, एटलीस्ट लोग आपको देख के इग्नोर ना करें, मतलब आप नेग्लिजिबल पर्सनालिटी ना कहलाओ। एटलीस्ट एक बार कोई देख के दोबारा देखे तो सही कि ये, और उससे उससे आपका प्रोफेशनल प्रोफेशन पता चलता है। लोग जज करते हैं आप जिस तरह से दिख रहे हैं ना, उससे लोग आपको जज करते हैं। किस तरह से जज करेंगे कि यार ये हो सकता है इस प्रोफेशन को बिलोंग करता हो, है ना। या कई बार देखा है लोग, है ना, इतने टफ लुक्स देते हैं अपने फेस पे कि, है ना, डर लगने लग जाता है उनसे कि यार ये बड़े खतरनाक इंसान होंगे, इनसे तो कैसे बात करें, कि हेजिटेशन आने लग जाती है ना। यस कई मैम बार लोग लोग इस यस तरह के लुक्स मैम देते हैं कि उनके लुक्स से ही पता चलता है।
उनके लुक से पता चल जाता है कि ये तो या तो ये डम पर्सनैलिटी है, और कई बार लुक से पता चलता है कि यार ये है ना बहुत इंटेलिजेंट हुए। होता है ना, अपन भी जज करते हैं लोगों को, यस उनका मैम, उन क्या पर्सनालिटी देख के अपन सोचते हैं कि यार ये डॉक्टर हो सकते हैं, यार ये एडवोकेट हो सकते हैं, करते हैं ना हम उनका यस मैम, सोफिस्टिकेशन लेवल जज करने लग जाते हैं कि यार ये ना काफी सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं बात करने में, चलो इनसे ये चीज जाके पूछ कर आए। कई नई जगह जाते हैं तो होता है इंटेलिजेंस लेवल हम लोग। तो आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरह उसी को जज कर, तो आपका रिप्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। देन पर्सनल ग्रूमिंग डिस्कस किया था, पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं, आपकी पूरी बॉडी की क्लीनलीनेस, आपके हेयर्स, आपने अपना हेयरडू किस तरह किया हुआ है, आपके नेल्स, नाखूनों में मेक है मतलब गंदे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके टीथ, कुछ लोगों के नेचुरली टीथ बहुत गंदे होते हैं, लाइक मी मेरे टीथ बहुत बेकार हैं, बट इट डजंट मीन कि मैं गंदी हूँ, मैं हमेशा साफ सुथरी रहने की कोशिश करती हूँ। आपका यूनिफॉर्म, कुछ लोग हमेशा सूटेड बूटेड रहते हैं लेकिन उनके कॉलर्स बहुत गंदे होते हैं, उनकी टाई भी अगर देखेंगे आप तो ऐसा लगता है कि यार सूट तो पहन लिया लेकिन क्या है ये इतना गंदा। तो आपकी क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। आपका मेकअप, बॉयज भी मेकअप करते हैं और गर्ल्स भी मेकअप करती हैं, बट इट शुड बी नेचुरल, ऐसा नहीं बहुत लाउड। कई बार देखा होगा ना कि प्लीज कोई भी पर्सनली मत लेना इसको, पर मैंने खुद ने देखा है कि कई बार यूनिवर्सिटी में या कॉलेज कैंपस में कुछ लोग इतना लाउड मेकअप करके आते हैं, गर्ल्स स्पेशली, वो लाइनर्स वगैरह और यू नो बाल बाल खुले हुए और ऐसे, मतलब उसमें भी आप अट्रैक्टिव दिखते हो। अट्रैक्टिव किस तरह से दिखते हो, क्योंकि आप सब में अलग ही नजर आते हो, वो सिंप्लिसिटी जो है ना वो पर्सनैलिटी की वो कहीं ना कहीं छुप जाती है ना। तो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि आपकी नेल्स, आपकी यूनिफॉर्म्स, आपका मेकअप जो है, आपका हेयर डू जो है, वो किस लेवल का होना चाहिए जब आप एक प्रोफेशनलिज्म दौर से गुजर रहे हैं, राइट? एक तो आप लोग ना रिप्लाई नहीं करते हो तो मेरे को बहुत गंदा लगता है, ये भी तो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, ऐसे चुपचाप बैठ के सुन रहे हो सब, रिप्लाई सॉरी करो। मैम, चलिए, पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट्स, सबसे पहला है हेयर। हेयर पता है आपके सर का ताज, मतलब आपका यस हेयर मैम, स्टाइल आपके यस मैम, फेस है ना, आपका हेयर स्टाइल जो होता है वो आपके फेस को निखारता है, ये तो सब कहते ही हैं। कौन सा हेयर यस स्टाइल आप पे मैम, सूट करता है, चाहे से यस बॉयज हो मैम, या गर्ल्स हो, वो सब कोई अपना हेयर डू करते ही हैं। तो इट इज यस मैम, योर क्राउनिंग ग्लोरी, ये आपकी क्राउनिंग ग्लोरी है। कीप इट एट ए लेंथ एंड स्टाइल एट विच यू कैन मेंटेन। गर्ल्स भी और बॉयज भी उनको उतने ही लेंथ पर रखें जितना कि वो उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये नहीं है कि जुए हैं और स्मेल आ रही है हेयर्स में से पर फिर भी बढ़ाने का शौक है गर्ल्स ने और बढ़ा रही है, और बॉयज का ये है कि क्योंकि आजकल फैशन में चल रहा है लंबी लंबी दाढ़ियां, लंबे लंबे बाल, पीछे चोटी, ये सब कुछ प्रोफेशनलिज्म का पार्ट नहीं होता, ठीक है? यस, जब आप इस अपने इससे गुजर जाए, कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनका ये भी पार्ट है, लाइक अगर हम मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग में कई बार आपका अटायर इस तरह से होता है जिसमें आपको लॉन्ग हेयर्स की जरूरत पड़ती है, तब आप करें। जैसे एक्टर्स हैं तो उनके किसी किसी रोल में उनको बियर्ड की जरूरत पड़ती है, उनको गंदे दिखना होता है तो वो ऐसा करते हैं, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए टेक्निकल प्रोफेशन और व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एज ए स्टूडेंट, मैंने देखा है हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने लंबे लंबे बाल कर रखे हैं अच्छे से, और वो पीछे चोटी वोटी सब करके भी आते हैं, कुछ स्टूडेंट स्मार्ट लगते हैं वो नो डाउट, लेकिन अभी एज ए प्रोफेशन का ये पार्ट नहीं है। जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपकी, आप जाते हैं ना क्लीन शेव करके, अच्छे से हेयर कट करके, यस क्यों? मैम, क्योंकि यस वो मैम, ज्यादा इम्प्रेसिव होता है, वो आपके प्रोफेशन के हिसाब से वो आपका जो लुक है वो ज्यादा इम्प्रेसिव होता है। और ये कह रहे हैं वॉश योर हेयर एटलीस्ट वंस अ वीक, और एंड आई वॉन्ट एटलीस्ट जिनके बाल लंबे हैं वो 2 बार बाल जरूर धोएं, और जो छोटे बाल वाले बच्चे हैं वो डेली अपने बाल धोएं, ठीक है? तो दिस यस इज मैम, फ्रॉम माई साइड, बट हाँ ठीक है, बाकी आपकी हेयर ग्रोथ पे। हेयर स्टाइल स्पेशली फॉर मेल्स, लड़कों की बात करेंगे अभी हम सिर्फ, है ना?
मेल्स के लिए हेयर स्टाइल्स कैसे होने चाहिए? नॉट फॉल ओवर द ईयर्स, कानों पे गिरे हुए बाल नहीं होने चाहिए. आईब्रोज, आईब्रोज तक के ऊपर आपके बाल गिरे हुए नहीं होना चाहिए. और इवन टच द बैक ऑफ द कॉलर, आपका जो कॉलर है और आपके हेयर्स के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए. इट इज नॉट लाइक दैट किसी की गर्दन छोटी है तो उसकी बात नहीं कर रहे, बट किसी का क्या रहता है कि वो कॉलर के ऊपर आते हुए बाल अच्छे नहीं समझे जाते. फॉर योर प्रोफेशन इट इज नॉट गुड कि आपके आपके बाल पीछे. यस, कुछ मेल्स के साथ ऐसे इश्यूज होते हैं कि उनके भेड़ मैम आवाज कट रहा है यस आपका। मैम यस छोटे होने चाहिए कि आपके आईब्रोज ढके ना. ठीक है, इट विल ऑलवेज प्रेजेंट अ नीड अपियरेंस, इस तरह से जमे हुए रहे कि आपका फेस जो है, आपका फेस एटलीस्ट साफ सुथरा दिखाई दे. फेशियल हेयर शुड बी नीटली ट्रिम्ड, आपके जो फेशियल हेयर्स है, क्या क्या, मुस्टैच, साइड बर्न्स जिनको हम कलमे कहते हैं, और आपकी बियर्ड, दाढ़ी, ठीक है, आर नॉट रिकमेंडेड. इतने ज्यादा मूछे, घनी घनी मूछे, या ये कलमे होना, या ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होना, ये रिकमेंड नहीं की जाती. ये प्रॉपरली अगर आप रखते हैं तो ये प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए, है ना. यस दिस मैम इज फॉर मेल्स स्पेशली. ये सब कोई जानते हैं लेकिन फिर भी इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ. बिकॉज आजकल फैशन ही बियर्ड का चल रहा है, आजकल फैशन ही लॉन्ग हेयर्स का चल रहा है, तो बच्चे उसी को फॉलो करने लग जाते हैं. सो हेयर स्टाइल्स फॉर फीमेल्स, टाई योर हेयर इन अ नीट हेयर स्टाइल विद हेयर पुल्ड बैक फ्रॉम योर फेसेस. ये चीज मुझे भी बहुत इरिटेटिंग लगती है फॉर गर्ल्स, कि उनके बाल ऐसे यूं आते रहते हैं मुंह पर, आधा आधा फेस उनका ढक जाता है उनके मुंह से, वो बालों से. ऐसे नहीं होना चाहिए. जब आप क्लास में बैठे हैं, जब आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, आपने देखा है जितनी भी चीजें जो कि हॉस्पिटैलिटी में आती हैं, लाइक हॉस्पिटल, ये होटल मैनेजमेंट से जो लोग होते हैं या हॉस्ट्रेसेस जो होती हैं, कभी देखा है उनको अच्छे से टाई अप करके रखती हैं वो बाल, कभी भी बाल उनके मुंह पर नहीं आता है. ये मॉडल्स के काम होते हैं, ये हॉस्पिटैलिटी वाले जो होते हैं, जो एक प्रोफेशनल डील्स करते हैं. आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब भी प्रोफेशनली गर्ल्स तैयार होकर जाती हैं तो अच्छे से या तो बन बांधती हैं या फिर उनके बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स होते हैं जो कि कानों के पीछे रहते हैं. तो बाल फेस पे आना इज नॉट ए गुड थिंग. टाई योर हेयर इन अ नीट हेयर स्टाइल विद हेयर पुल्ड बैक फ्रॉम योर फेस, आपके फेस के पीछे की तरफ आपके बाल होने चाहिए, ना कि आपके ऐसे आगे झुके हुए रहने चाहिए. ये चीज अच्छी नहीं समझी जाती. हमारे कुछ फैकल्टीज भी इस तरह से ही रहते हैं. इट इज नॉट अबाउट स्टूडेंट्स ओनली. तो अगर उनको नहीं पता तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके बाल आपके चेहरे पर नहीं आए. हेयर इफ लॉन्गर देन जॉ लाइन शुड बी टाइड इन टू ए बन. अगर आपके बाल आगे की तरफ वाले बाल आपके जॉ लाइन से भी लंबे, कुछ लोगों के क्या होता है कि आगे के बाल कटे हुए रहते हैं, तो उनको पिंस लगा लेने चाहिए. और अगर उनके जॉ लाइन से लंबे हैं तो उनको चाहिए कि जो भी बन या चोटी वो करके रखते हैं उसमें उनके बाल चले जाएं. ठीक है, शुड बी वेल ग्रूम्ड विद ए नीट अपियरेंस एट ऑल टाइम्स. इसी से आप लोग साफ सुथरे दिखते हैं. कभी भी देखना जिनके बाल ऐसे बिखरे बिखरे रहते हैं ना, वो थोड़ी सी देर बाद अजीब से लगने लग जाती है. या तो फिर प्रॉपर स्ट्रेटनिंग हुई भी हो, प्रॉपर आपके मतलब आपने वो क्या, हीरोइंस की बात अलग होती है, जो आप टीवी पे देखते हो, आप लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो, उनकी बात बहुत अलग होती है. उनके हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं जो डेली उनका हेयर स्टाइलिंग करते हैं, हम लोग वैसे नहीं कर सकते. तो ट्राई टू बी बिकम अ सिंपल एंड अ डिसेंट पर्सन. ओके, हेयर होल्डिंग डिवाइसेस शुड बी प्लेन एंड ऑफ नेचुरल कलर्स. मैंने देखा है ना, बहुत सारे अपने यहाँ के लोग हैं यूनिवर्सिटी के, वो ना वो हेयर बैंड लगा के आती हैं जिसके अंदर ऐसे यूं दो कान निकले हुए होते हैं, देखा है. इस तरह की चीजें प्रोफेशनलिज्म में नहीं आती. आपके जो हेयर बंस हैं, आपके जो क्लचर्स हैं, आपके जो टिक टैक्स हैं, वो सब बिल्कुल प्लेन होने चाहिए. ये सब कुछ हंसी आ रही होगी आप लोगों को ये सब सुनने में. नो मैम
बट ये सारी वो चीजें हैं जो हम देखते हैं, और ये आपको अपनी पर्सनालिटी में डालना है। और क्योंकि अभी मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ, और अगर मैं यूनिवर्सिटी आई, आप लोग भी यूनिवर्सिटी आए, मैंने अभी अगर किसी को भी इन लाइंस के अलावा काम करते हुए देखा, तो देखना फिर मैं डांट लगाऊंगी अच्छे से। तो ये सब आपको करना ही है। ओके मैम, नेल्स, नेल्स क्लिप, नेल्स शॉर्ट, मैंने देखा है बहुत सारी गर्ल्स ना इतने लंबे लंबे नाखून, देखो मेरे नाखून इतने छोटे छोटे से हैं। मुझे तो, मैं अगर नेल्स अपने बढ़ाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बाल मैम आपका आवाज रुक गया है। भी हाथ से ही खाते हैं, नाखून भी। नेल्स आपके मैम आपका नाखून से साउंड आपकी कट कट बीमारी के आ का रहा है। मैम देखा होगा। यस यस मैम, साउंड कट कट कह रहे हैं। मैम साउंड कट रहा है आपका। ओके अभी अब ठीक है मैम? अब ठीक यस है ना। मैम, अब ठीक है। ओके आपने कई बार देखा होगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है ना, कई बार हमारे नाखून देख के पता लगा लेते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना है, या हमें जॉन्डिस तो नहीं हुआ। मतलब हमारी हेल्थ हमारी नेल्स और आईज से पता लगा ली जाती है। देखा है आपने कभी? यस मैम, यस मैम, होता है ना। तो आपकी हेल्थ कैसी है आपके नेल से पता लगता है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अपने नेल्स को भी साफ सुथरा रखा करें। ब्रिटल एंड डिसकलर्ड नेल्स शो अप डेफिशिएंसीज और डिजीज कंडीशन। अगर आपके नेल्स का कलर डिफरेंट है ना, या जो नेचुरल कलर होना चाहिए वो नहीं है, तो वो कुछ कुछ डेफिशिएंसीज शो करता है, जैसे कैल्शियम की कमी, ब्लड की कमी, जॉन्डिस, या आपके लंग्स इन्फेक्टेड हैं। ये सब कुछ आपके नेल से पता चलता है। तो इसलिए यू शुड कीप योर नेल्स क्लीन। आपकी बॉडी की हेल्थ भी आपके नेल से पता चलती है। नाउ अबाउट योर टीथ, ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। कौन कौन स्टूडेंट दो दो बार ब्रश करते हैं? टेल नो मैम, 2 बार नहीं करते हैं। वन टाइम मैम कभी कभी हमेशा कर लेते सोने से हैं। पहले, भी ब्रश करना चाहिए। आप सोने से पहले ब्रश करके ट्राई करना। जब आप सुबह उठोगे तो आपको वैसे भी, मतलब जैसे अपन जब सुबह उठते हैं तो अपन को बहुत अनईजी सा, गंदा सा फील होता है। आप रात को ब्रश करके सो, अच्छे से अपना मुंह धो, क्रीम व्रीम लगाओ अच्छे से, और फिर सो। आप सुबह उठना, आपको खुद को अपनी स्किन भी अच्छी दिखेगी, अच्छी फील होगी, और आपको अपने अंदर फ्रेशनेस भी, मतलब उतना ज्यादा आप लो फील नहीं करोगे। तो ये कुछ हैबिट्स हैं, इनको अपना लो, ताकि आपको ना, ये जीने के कुछ उसूल होते हैं, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी भी शो करती हैं। तो इनको थोड़ा सा अपने हैबिट्स बनाओ, इनको अपने अंदर डालो, ताकि ना आपको भी खुद को अच्छा फील हो। रिमेंबर टू रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हर बार खाना खाने के बाद कुल्ली करना। रिंस योर माउथ इज वेरी इम्पॉर्टेंट आफ्टर एवरी मील। कुल्ली करना यस मैम, हर खाने के बाद बहुत जरूरी है। ठीक। फॉर दोज हु स्मोक, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी स्मोक एंड यूज अ माउथ फ्रेशनर। इसमें सबसे पहले लाइन मैं बोलूंगी कि इफ यू स्मोक प्लीज डोंट डू इट। स्मोकिंग करना इज वेरी इंजुरियस फॉर योर हेल्थ, एंड आप लोग बहुत छोटे हैं अभी। ठीक है, तो ये तो नहीं करना है, बट इफ समबडी इज डूइंग, तो हर बार स्मोक करने के बाद मुंह को धोना बहुत जरूरी है, और माउथ फ्रेशनर लेना भी बहुत जरूरी है उसके बाद। ये देखिए, ये अटायर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? इज इट प्रोफेशनल? यस मैम, यस यस मैम, इट इज। यस। यस नाउ यूनिफॉर्म, योर यूनिफॉर्म टॉक्स अ लॉट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी यूनिफॉर्म आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, राइट? आप हमारे आई कार्ड्स जो है, हमारी जो यूनिफॉर्म है, ये बताती है। कई बार हमें स्कूल, जब हम छोटे छोटे से थे, हम स्कूल जाते थे, तो
तो हम स्कूल की यूनिफॉर्म से पता नहीं लगा देते थे, अरे ये इमैनुअल के स्टूडेंट्स हैं, अरे ये सेंट एंसलम के स्टूडेंट्स हैं, पता चलता है ना। यस मैम आपका चेहरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आपकी यूनिफॉर्म आपकी ऑर्गेनाइजेशन बताती है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आर मेड विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ मीटिंग समवन। जब आप किसी से मिलते हैं तो उसके 5 मिनट बाद ही आपका इम्प्रेशन सामने वाले पर पड़ चुका होता है। द वे यू आर स्टैंडिंग, द वे यू आर टॉकिंग, द वे योर हैंड मूवमेंट्स आर देयर, द वे यू आर अटायर यू आर पुटिंग ऑन, ये सारी चीजें एंड योर क्लीनलीनेस, ये सब कुछ आपकी पहले इम्प्रेशन की पहले मैम आपका आवाज फिर कट गया। यस मैम नहीं आ रहा। एक्सेप्टेबल की बात हमेशा आती ही है कि यार उस औरत के कपड़ों पर कभी हमने कोई दाग नहीं देखा, या उसके हमेशा आयरन्ड देखे हैं कपड़े, है ना। तो ये तो घर में बैठी हुई औरतों की बातें हैं। यू गाइज आर प्रोफेशनल, तो आपके अटायर तो बहुत ज्यादा साफ सुथरे होने जरूरी हैं, क्योंकि ये सब कोई मतलब ये चीजें आप कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप गंदे आ जाएंगे, है ना। देखो एग्जाम्पल ऑफ अप्रोप्रिएट अटायर फॉर अ मैन, दिख रहा है, ये एक बिजनेस प्रोफेशनलिज्म वाले अटायर्स हैं, ये कोट पैंट और ये, और बिजनेस कैजुअल अटायर ये है। मतलब अगर आप किसी बिजनेसमैन के यहाँ एम्प्लॉय हो तो आप ये वाला अटायर पहन सकते हो, ठीक है। बट इफ यू आर अ बिजनेसमैन देन यू शुड गो फॉर दिस अटायर। आपको दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर? यस मैम यस मैम समझ में आ रहा है? शक्लें नहीं दिख रही हैं लेकिन फिर भी कितने हैंडसम लग रहे हैं ये, लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? यस ओनली यस बिकॉज मैम द वे दे आर पुटिंग ऑन देयर क्लोथ्स, जिस हिसाब से उन्होंने अपने कपड़े पहने हुए हैं उस हिसाब से वो लोग कितने स्मार्ट दिख रहे हैं। तो इट इज नॉट अबाउट फेस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज नॉट अबाउट फेस, इट इज अबाउट हाउ यू लुक, हाउ यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी वन। आप अपने आप को किसी के सामने किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल ऑफ अप्रोप्रिएट अटायर फॉर ए वूमेन, बिजनेस कैजुअल अटायर अ सिंपल लोअर एंड ए टी शर्ट, एंड बिजनेस प्रोफेशनल अटायर, इतने टेढ़े मेढ़े खड़े होने की जरूरत नहीं है, सीधे खड़े रहेंगे तो भी, बट मुझे यही फोटो मिला था इसलिए मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया कि यस गर्ल्स भी ये कोट पेंट वगैरह एक प्रोफेशनल अटायर डाल सकती हैं, ठीक है। व्हाट इज टू कैजुअल, इसमें से बताइए सबसे ज्यादा कैजुअल चीज कौन सी है? नॉट अबाउट गर्ल एंड ए बॉय, वन टू थ्री एंड थ्री, थर्ड थ्री वन इज मैम मोर कैजुअल फॉर यू? यस यस मैम मैम। यस मैम यस मैम एंड फॉर बॉयज आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी यस कैजुअल थिंग। मैम ये यस आई आप कैन लोग रिमेम्बर तब पहन सकते हैं कॉलेज कैंपस में जब आपके कॉलेज आवर्स खत्म हो चुके हैं, तो यू कैन गो फॉर सच काइंड ऑफ अटायर्स, राइट। यस मैम बट अगर यस आप ऐसे उठ के आओगे कॉलेज अपने एचओडी के सामने तो क्या ये अच्छा लगेगा? नो नो मैम 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 टू बी नो वेरी ऑनेस्ट, मैम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है स्पेशली बॉयज को कि वो इस तरह के बर्मुडास डालकर कॉलेज में आते हैं, स्पेशली फॉरेनर्स, फॉरेन स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। वो कब आते हैं? जब वो लोग क्लास अटेंड नहीं करते। तो आई थिंक फॉर मी, मैं अपने स्टूडेंट से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करती, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द कॉलेज, है ना, और कॉलेज आवर्स चल रहे हैं, तो प्लीज डोंट यूज सच टाइप ऑफ कैजुअल थिंग्स। यू कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स आफ्टर कॉलेज आवर्स, क्योंकि वो आपका घर भी है, वहीं आप रहते भी हैं, है ना। तो कॉलेज आवर्स के बाद आप इस तरह के अटायर्स में घूम सकते हैं, बट प्लीज डोंट कम इन सच टाइप ऑफ अटायर्स इन फ्रंट ऑफ योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इन फ्रंट ऑफ योर फैकल्टी मेंबर्स, ओके। व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट अटायर फॉर वर्क, दिख रहा है आपको एक इनअप्रोप्रिएट अटायर? बंडाना, डूरैग्स, हेलमेट्स, ऑल्टर्ड हैट्स,
बीनी और सनग्लासेस, शॉर्ट शर्ट्स, है ना, एंड फॉर गर्ल्स लो नेक के जो टी शर्ट्स रहते हैं, या इस तरह से स्लीवलेस प्रॉपर ही बहुत ज्यादा एक्सपोज ऑफ हो रहा हो जिसमें, वो सारे अटायर्स कभी भी प्रोफेशनली आपको यूज नहीं करने चाहिए, राइट? अच्छा, कई बार बॉयज एंड गर्ल्स में देखो, हमेशा जब आप लोग टी शर्ट्स खरीदते हो ना, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है स्लोगन, तो उसको भी यस पढ़ मैम, के खरीदा करो। ये नहीं कि आपने हर कुछ उठा लिया फंकी सा और ऐसे, वो सारी चीजें कूल नहीं होती। अगर उसके ऊपर कोई चीप सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो हिस्सा मैम नहीं है आपका आवाज ना। कट रहा है। यस मैम, यस मैम, आवाज आ रही है? आवाज यस मैम, ओके। मैं कह रही हूँ कि जब आप लोग टी शर्ट्स वगैरह खरीदते हैं, तो उनके ऊपर कुछ कुछ स्लोगन्स लिखे रहते हैं, आप उनको भी पढ़कर लिया कीजिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के ले आए, है ना, क्योंकि वो क्या, वो चीज अच्छी नहीं लगती है, चीप साउंड करती है ये सारी चीज। अब देखिए, एग्जाम्पल ऑफ अनप्रोफेशनल एंड इनएप्रोप्रिएट अटायर, ये चीज शाम को कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हैं अच्छे से इंजॉय करने के लिए, वहां पहन के जाएंगे तो ठीक है, बट अगर ये चीज कोई प्रोफेशनली पहनकर आ जाए, तो मिडरिफ बेयरिंग क्लोथिंग, मिनी स्कर्ट्स, एक्सेसिव हाई हील्ड शूज, कैप्स, वेरी टाइट क्लोथिंग, इस तरह के अगर कोई कपड़े पहन के आए पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, तो अजीब नहीं लगता? मैम बहुत नहीं और ना। जब लगेगा। नहीं, और मैं बात कर रही हूँ एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की, राइट? मैंने क्या बोला कि लोग आपको जब देखें तो आपको नोटिस करें, ऐसे लोगों को भी नोटिस किया जाता है, ऐसे लोग भी नोटिस में आते हैं, लेकिन वो इसलिए नोटिस में नहीं आते कि लुक हाउ 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 शी इज अट्रैक्टिंग, ये इस तरह से नोटिस में नहीं आते, ये इस तरह से नोटिस में आते हैं कि ये पढ़ने के लिए ये कपड़े पहन के आई है, समझ आ रहा है, ये जॉब करने के लिए ये कपड़े पहन के आई है। ये सारी ड्रेसेस प्रोफेशनल नहीं होती। क्लोथिंग दैट रिवील्स क्लीवेज, योर बैक, योर चेस्ट, योर स्टमक, योर अंडरवेयर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर वर्क प्लेस, इवन इन अ बिजनेस कैजुअल सेटिंग्स, समझ रहे? प्लीज डोंट फील शाय। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, जिनकी क्लीवेज दिखती रहती है, बैक बहुत ज्यादा दिखती रहती है, बहुत ज्यादा हाई हील्स होती हैं, कई बार गर्ल्स एंड बॉयज इतनी ज्यादा लोएस्ट जीन्स या इतनी ज्यादा लोएस्ट ट्राउजर्स पहनते हैं कि उनकी अंडरवेयर दिखती हैं। दीज आर नॉट कूल थिंग्स, या कि कहीं कहीं से पेट दिखता रहता है, ये वर्क प्लेस पे या किसी बिजनेस पे, वर्क प्लेस ही है ना, अगर हम भी इस तरह के अटायर्स पहन के आए तो आई थिंक अच्छा नहीं लगेगा, राइट? वो हमारा जॉब प्लेस है, यस आप लोगों मैम, के लिए सीखने की जगह है, तो प्लीज ये सारी चीजें करने के लिए बहुत टाइम है लाइफ में, या आफ्टर कॉलेज आप ये सारी चीजें कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टीज करने जा रहे हैं, यू कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ अटायर्स, बट इन फ्रंट ऑफ फैकल्टी, ये एक रिस्पेक्टफुल आपका और एक स्टूडेंट का और एक फैकल्टी का, या आपके लिए आपके बॉस का और आप एज ए एम्प्लॉयर, ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशंस होते हैं, है ना, हमारे सीनियर्स का। अगर मैं किसी की सीनियर हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो मेरी रिस्पेक्ट करें, अगर मेरे कोई सीनियर हैं तो मैं ऑब्वियसली उनको रिस्पेक्ट दूंगी, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीजें ना मेरे स्टूडेंट्स के बीच में भी आए, कि यस गर्ल्स एंड बॉयज शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, ना कि वो इस तरह की हरकतें करके ना एक अलग ही माहौल बना दे। तो विच इज अप्रोप्रिएट नाउ, अब बताइए, ए बी और सी, विच इज बी मैम, अप्रोप्रिएट? बी बी, बोथ, फॉर बोथ, फॉर बोथ बॉयज एंड फॉर बोथ, मतलब फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, राइट? बी आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? मैम, नाउ विच इज अप्रोप्रिएट? डी मैम, डी डी मैम, डी
डी और बी, डी और डी बी, मैम, डी डी, डी 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 ओके। नाउ मेकअप, मेकअप शुड बी नेचुरल लुकिंग, वैसे तो मेकअप होना ही नहीं चाहिए, क्या जरूरत है, बट फिर भी कुछ गर्ल्स कॉन्शियस होती हैं फेस करने के लिए, कुछ बॉयज भी डी कॉन्शियस होते हैं फेस करने के लिए, तो अगर इफ दे आर पुटिंग ऑन मेकअप देन द मेकअप शुड बी नेचुरल, नेल पॉलिश एंड लिप कलर शुड नॉट बी टू ट्रेंडी और ब्राइट, बहुत ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, लाल लाल लिपस्टिक या बहुत ज्यादा फेस को ब्राइट। मैम आपका आवाज कट गया। जी मैम, फ्रेग्रेंस, बहुत लाउड परफ्यूम्स नहीं यूज करने चाहिए, इस तरह के कलर्स वुमेन्स को नहीं यूज करने चाहिए एट द प्रोफेशन, एट द जॉब प्लेस, ठीक है, समझ आया कुछ? यस पढ़ने मैम, जाने के लिए या जॉब पे जाने के लिए इन चीजों की कमी, देर इज नो रिक्वायरमेंट, बट इफ यू गाइज आर, एक सबका अपना अपना होता है, अगर आपको लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है देन गो फॉर दिस थिंग, बट इन शुड बी अ लिमिटेड वे, ओके। हेयर कलर शुड नॉट बी मोर देन वन और टू शेड्स डार्कर और लाइटर देन योर नेचुरल हेयर कलर, अननेचुरल कलर बर्गंडी ग्रीन ब्लू आजकल चल रहे हैं ना ये वाले भी हेयर कलर, ये आप सबको यस अवॉइड करने मैम, चाहिए। चलिए, एसेसरीज फॉर मेल्स, मेल्स भी एसेसरीज यूज करते हैं जब वो प्रोफेशनली आते हैं सबके सामने, लाइक एसेसरीज, अब एसेसरीज में मेरा मतलब ज्वेलरी से नहीं है, एसेसरीज से मेरा मतलब है कि वॉच, या देखिए मैन शुड लिमिटेड एसेसरीज ज्वेलरी टू 3 पीसेस, 3 पीसेस के ऊपर वैसे भी बहुत कम ज्वेलरी चलती है, या तो वॉच या फिर रिंग, एक हैंकरचीफ, हैंकरचीफ मतलब रुमाल है ना, अ ड्रेस वॉच शुड बी वॉर्न, अवॉइड एथलेटिक स्टाइल्स। अब देखो दो तीन तरह की वॉचेस आती हैं, स्पोर्ट्स वॉचेस आती हैं, डिसेंट वॉचेस आती है ना, प्रोफेशनल वॉचेस आती हैं, कोई यस मैम, इंसान प्रॉपर सूट वूट पहन के और वो रनिंग वाली वॉच पहन के आ जाए तो चलेगा कि? आजकल तो स्मार्ट वॉचेस चलती हैं, देर आर बेस्ट, वो सब पे चलती हैं, वो एथलेट्स पे भी चलती यस हैं और मैम, वो यस बिजनेस, मैम, तो देर आर बेस्ट है ना। अब उसमें वो ब्रेसलेट्स, नेकलेस, और या फिर है ना कहीं कहीं से कान वान छिदा लिए, या यहाँ से होठ छिदा लिया, ये छिदा लिया, आईब्रोज छिदा ली, ये पहन के पियर्सिंग मतलब समझते हैं ना, पियर्सिंग मतलब यस कुछ यस मैम, छेद होल करवाना, ये यस सब मैम, करना दिस इज नॉट गुड फॉर प्रोफेशन है ना, प्रोफेशनलिज्म के लिए नहीं है। फॉर वुमेन ऑल्सो ज्वेलरी शुड बी कीप मिनिमल एंड कंजर्वेटिव, हमेशा ज्वेलरी एक सोफिस्टिकेटेड टर्म में, ज्यादा से ज्यादा चेन पहन लीजिए या छोटे छोटे से इयर रिंग्स पहन लीजिए, बालियां पहन लीजिए, एक आधा रिंग चलेगी, वॉच चलेगी, ये सारी चीजें मिनिमल एंड कंजर्वेटिव वे में आती हैं, ये नहीं कि हार पहन के आ गए या खूब सारी चूड़ियां पहन ली, आती हैं बहुत सारे ऐसे भी ना, खूब सारी चूड़ियां उड़ियां बिंदी और ना बहुत सारे इतने बड़े बड़े डैंगल्स पहन के, और फिर मालाएं भी बहुत सारी है ना ये, और फेशियल पियर्सिंग तो नहीं होनी चाहिए, ये तो हमारे यहाँ नोज पियर्सिंग इज लाइक इंडियन ट्रेडिशन एंड फॉर ए मैरिड वुमेन दिस इज कंपल्सरी, अदरवाइज मुझे तो ये भी नहीं पसंद, बट ये करना पड़ता है ना। तो द 5 पीस रूल, वियर ओनली 5 एसेसरीज फॉर वुमेन्स, आर यू लिसनिंग लेडीज, आर यू लिसनिंग? यस इयररिंग्स काउंट एज 2, इयररिंग्स 2 में काउंट होते हैं, तो आपको 5 एसेसरीज पहननी चाहिए, इयररिंग्स काउंट एज 2, तो 2 इयररिंग्स हो गए आपके, वॉच काउंट एज 3 है ना, अलाउइंग 2 एडिशनल एसेसरीज, इसके अलावा 2 एडिशनल एसेसरीज अलाउ होती हैं, वो होती हैं, एक तो चेन आती है इफ यू वांट टू वियर अ चेन, और इफ यू वांट टू वियर अ चूड़ी, बिकॉज
क्योंकि इंडिया में ये सारी चीजें ट्रेडिशन में आती हैं, तो ओनली गर्ल्स कैन वियर अ चूड़ी और अ ब्रेसलेट, और वी कैन से यू कैन गो फॉर अ रिंग। ओके, इससे ज्यादा लाउड नहीं करना, है ना? सो यस मैम। ज्वेलरी, मेकअप, परफ्यूम शुड बी इन अ गुड टेस्ट विद नो विजिबल बॉडी पियर्सिंग अदर देन पियर्स्ड ईयर्स। ओके, इन्होंने तो नोज के लिए भी नहीं कहा। हैट्स एंड हेड कवरिंग, हैट्स एंड कैप्स आर नॉट अप्रोप्रिएट इन द ऑफिस। आप ऑफिस के अंदर हैड या कैप लगा के बैठोगे तो आप अच्छे नहीं दिखोगे। हेड कवर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रिलीजियस पर्पजेज और टू ऑनर कल्चरल ट्रेडिशंस आर, कुछ लोग हिजाब मैम क्योंकि वो आपका एक वॉइस नहीं रिलीजियस आ रहा। पर्पज। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस मैम। ओके, देखिए, अगर हैट आप लोग कैप वैप लगा के क्लास में बैठोगे तो वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, बट इफ समवन इज वेयरिंग लाइक हिजाब, किसी ने हिजाब ले रखा है, मुस्लिम गर्ल्स स्पेशली ले लेती हैं हिजाब, या फिर अगर हम सिख समुदाय पंजाबी इसकी बात करें तो दे वियर ए पगड़ी, है ना? तो जो कोई भी अपने रिलीजियस पर्पस के लिए या अपने कल्चरल अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए उनको अपना हेड कवर करना पड़ रहा है, तो दैट इज ए डिफरेंट थिंग, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो अलाउड है, वो एक्सेप्टेबल है। बट आप कैप वैप पहन के फंकी सा हेड या काउ हेड लगा के कैप वैप लगा के बैठोगे तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग। ओके, देन यस मैम। शूज, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन योर पर्सनैलिटी डिपेंड्स। हमेशा ब्राउन या ब्लैक शूज या बर्गंडी शूज को चूज कीजिए, ना कि आजकल चल रहे हैं ना वो फंकी से लिरल ग्रीन कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के शूज पहन के बच्चे आ जाते हैं कॉलेज में, वो डांसर्स लुक होता है, वो नहीं होना चाहिए, है ना? ट्राउजर के यस नीचे शूज प्रॉपर बूट वैसे वाले होने चाहिए, और प्रोफेशनल शूज जिनको कहते हैं वो पहनने चाहिए। और अगर आप लोग एक कैजुअल फॉर्म में आ रहे हो, जैसे जिस दिन आपकी पीटी एक्टिविटीज रहती हैं, प्लेइंग टाइम एक्टिविटीज जो रहती है, उसमें आपको प्रॉपर एक्शन शूज वगैरह वो पहनने चाहिए। सॉक्स शुड बी देयर। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे या तो चप्पल पहन लेते हैं या फिर सॉक्स नहीं पहनते शूज के नीचे, तो सॉक्स शुड बी देयर। बेल्ट भी होनी चाहिए क्योंकि बेल्ट भी आपके इन्हीं का एक पार्ट है, लेकिन बेल्ट भी आपके शूज के मैचिंग का होना चाहिए। और फीमेल्स स्टाइलेटोज, हील्स और ये सब ना पहन के सिंपल फ्लोटर्स पहने, बेलीज पहने तो ज्यादा बेहतर है, ये मेरी सजेशंस है। व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट नाउ? इनमें से कौन सा इनअप्रोप्रिएट है? बी एंड सी मैम। नो, सी इज गुड, एम सी इज बी कैजुअल वन, यस, बी इज एंड विच इज अप्रोप्रिएट फॉर गर्ल्स? मैम सी, मैम। सी, नो, डी, डोंट गो फॉर स्लीपर्स, यस मैम। स्नीकर्स, व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर दोज स्नीकर्स? कौन, मैम आपकी वॉइस फेड कर दे। टेल, ओके ओके, टेल कौन से स्नीकर्स होने चाहिए? हेलो, यस यस, मैम। मैम कौन से स्नीकर्स फर्स्ट वन। अप्रोप्रिएट है बताओ? फर्स्ट वन, ये दो, ये दोनों, ये वाला मैम, ऊपर मैम वाला, थर्ड वन प्लीज गे। वाला मैम। दीज बोथ आर अप्रोप्रिएट एंड दीज ऑल आर इन अप्रोप्रिएट, यस ये वाले स्नीकर्स नहीं मैम। होने चाहिए। गेटिंग? यस यस मैम। ओके, देन ये सारी चीजें दोबारा रिमाइंड कराने के लिए हैं। ओके, जगह के हिसाब से ड्रेस कोड होना
बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यस यहाँ तक मैम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। ओके।